दादियों ने सब बड़ों ने इतना त्याग तपस्या सेवा, पूरी हिस्ट्री सामने आ गई, यज्ञ हिस्ट्री। तो पुरानी बातें पुरानी यादें सब ताज़ा हो गई, कैसे कैसे बाबा ने इतना सहा, इतना अपोजिशन सहा, और उसके बाद भी बाबा मुस्कराते रहे, भगवान के ऊपर भरोसा रखा और वो सच हुआ जो भी बाबा ने कहा। जैसे होली के दिन बाबा ने कहा जलेबी खिलानी है, इतना विश्वास था बाबा को और वो ऐसा शिव बाबा ने करके दिखाया। कैसी लगी आपको मूवी और ये कितना सार्थक होगी बाबा को प्रत्यक्ष करने में? देखिए, ये फिल्म जो है एक प्रकार से बहुत सुंदर आध्यात्मिक फिल्म है और इसमें जिस ढंग से ब्रह्मा बाबा की जीवनी को दिखाया गया है, जो आम जनता नहीं जानती है कि ये कौन शख्स था और इसके माध्यम से परमात्मा ने क्या कार्य कराया है, तो ये जब लोगों को पता चलेगा कि लाइट यहाँ पे परमात्मा को सिद्ध करता है और इसको इस शख्स को है ना, प्रजापिता ब्रह्मा को, दादा लेखराज को भगवान ने चुना एज ए मीडियम। ब्रह्मा बाबा ने कोई भूखा है उसको खिला रहे हैं, कोई बीमार है उसकी भावनाओं को समझ करके उनको हील कर रहे हैं अपने पॉजिटिव थॉट्स से, तो ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कौन सा ऐसा सीन था जो आपको देख के बहुत इमोशनल हुए, बहुत टच किया कोई सीन आपको? तो जैसे आधे में जैसे स्ट्रगल किया था, तो पहले कितना स्ट्रगल करना पड़ा कि कोर्ट में भी जैसे मम्मा ने बताया था, तो ये सही बात है कि दुनिया वाले किस तरह से हमको ये किया था, तो ये उस समय थोड़ा सा ये लगा। अच्छा सीन जो मैं समझती हूँ वो ये है कि कैसे विकट परिस्थितियों में, कैसे मारने तक आ गए, उस परिस्थितियों में कैसे बाबा ने मदद की, और जब जज के सामने पेश हुए तो कैसे जज ने कहा कि इनकी सब बातें राइट हैं, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, तो ये सिद्ध करता है कि ये परमात्मा कार्य है, किसी इंसान का नहीं। तो मैं समझती हूँ कि पब्लिक को एक सबसे बड़ा मैसेज ये दो ही है विशेष, एक तो जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान, और दूसरा ये कार्य स्वयं भगवान का है, कोई गहराई से देखे समझे अनुभव करे तो फील कर सकता है कि सिवाय ईश्वर के इतनी ताकत कोई इंसान तो नहीं दे सकता है। क्योंकि सत्य मार्ग में चलने से पहले कुछ परीक्षाएं तो आती ही है, परंतु जिनका दृढ़ निश्चय है और परमात्मा पर विश्वास है और सतमार्ग में चलने की हिम्मत है तो अंत में वो पार हो ही जाता है, बाकी जो परीक्षाएं हैं वो और ही मजबूत बनाने के लिए आती है, इस तरह का इसे शिक्षा मिलेगी। और मुझे विश्वास है कि नेपाल में भी इस फिल्म को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और बहुत लोगों का कल्याण होगा, बहुत लोगों को सतमार्ग की जानकारी मिलेगी और परमात्मा धरा पर जो कार्य कर रहे हैं ये प्रत्यक्षता करने में बहुत ही बड़ा कामयाब का काम करेगा, बहुत ही बड़ा एक साधन बनेगा, ऐसा मेरा निश्चय है। जो दुनिया में दुख और अशांति है, जो लाइट की किरण मनुष्य आत्माएं देख रही है, तो सचमुच ये फिल्म देख के जिसका इस संस्था को इंतजार था परमात्मा की प्रत्यक्षता, तो सचमुच नाम जैसा इसका काम है, अंधेरे में एक रोशनी का काम ये काम करेगा और ये लाइट सारे विश्व में मनुष्य आत्माओं को खुद का साक्षात्कार करके दुख की दुनिया जाने वाली है और सुख की दुनिया आने वाली है, जो यही है यही है यही है जो बाबा का नारा है, प्रैक्टिकल यहाँ से प्रत्यक्षता होगी। लाइट का आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक इसको एंजॉय नहीं कर सकतेंगे। हमने बहुत कुछ सुना है पढ़ा है लेकिन अभी देखने से इतना अच्छा लग रहा है, तो हमको भी कई रोमांस आती है, तो हमारे में भी हिम्मत बढ़ता है कि लाइट से हम बहुत लाइट हो गए, आप सभी भी लाइट हो जाएं, तो हमारे शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं। जैसा हमने सोचा था उससे भी अच्छा लगा, और सबसे खास बात यह है कि ज्ञान का जो कई कन्फ्यूजन जो समाज में देश दुनिया में है, वो इस फिल्म को देखने के बाद निश्चित रूप से वो कन्फ्यूजन दूर होगा और सत्य के राह पर चलने की सबको एक शक्ति मिलेगी। और नारी शक्ति का जो प्रधानता है, जो देश दुनिया में जो नारी शक्ति के लिए जो कई प्रकार के जो मनोभाव है, वो इसमें एक शक्ति सेना जो है उनको भी बल मिलेगा, और बहुत अच्छा, ऑल एवरीथिंग इज ओके। बधाई देता हूँ मैं पूरे टीम को और स्टूडियो
या जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो टीम है सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसी और भी फिल्म बनाते रहें। तो बाबा ने भी बोला है कि आखिर में जो भी बाबा की प्रत्यक्षता होगी ये मीडिया के थ्रू और जो भी सोशल मीडिया के थ्रू होगी, तो ऐसा फील हुआ और डेढ़ घंटा ऐसा बीता हमारा कि जैसा मेडिटेशन हम लोग स्पेशली बैठते हैं बाबा कमरे में, लेकिन यहाँ पे मेडिटेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक बाबा को याद करने लगे। हमारा बचपन के लिए हमें देखे तो स्कूल्स में बहुत चीप रेट में माना 25 पैसा 10 पैसे में स्कूल का बच्चों को सभी को एक शो दिखाते थे, तो ऐसे ही हमारा शो उनके लिए अलग हमें पहुंचा भी मेन। अभी यंग जनरेशन छोटे बच्चों को लाइट का बारे में समझ में आवे तो ऑटोमेटिकली ब्रह्मा से नोन टू अननोन, वन बॉडी वन सोल, वन बॉडी टू सोल्स, वन बॉडी थ्री सोल्स, ये स्टोरी हमें वहां तक पहुंचाने के लिए ये इनिशियल स्टेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। थैंक यू। जो द लाइट मूवी बनाई है वो बहुत बहुत अच्छी है और कई पार्ट्स बहुत इमोशनल टचिंग वाले हैं कि एकदम हार्ट को छू जाए। और जो सॉन्ग्स है कि हमारा जो पिक्चर वाला सॉन्ग है कि हमारे इस माटी में जो एक काया माया लग रही है, इतना हार्टफुल सॉन्ग बनाए कोई समझे तो भी उसको दिल को छू जाए, तो मैं सभी पूरे गॉडलीवुड की टीम को बहुत बड़ा थैंक यू और उनके जो काम को सराहनीय है जो इतना मेहनत करके मूवी बनाई है बाबा की सेवा के लिए, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मैं सारे मधुबन निवासी सब कैंपस वालों को जरूर कहता हूँ जो तीन दिन का यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया है उसका लाभ अवश्य लेवे और उसके बाद हम कॉलोनी वालों के लिए भी शुरू करेंगे, इसका अनाउंसमेंट एक दो दिन में हो जाएगा, तो आप सब अवश्य इसका लाभ लें। फिर से एक बार जो पधारे उनके लिए धन्यवाद। हमारे जो टीचर बहनें आई थी और हमारे सीनियर्स भाई बहने आए उनको भी ढेर सारे धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शांति।